दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सी जगह पर आया हूँ, भंडारदारा डैम। यह नासिक से करीबन 80 किलोमीटर दूर है और इगतपुरी से आएगा 30-40 किलोमीटर दूर। तो आप दोनों मार्गों से यहाँ पर आ सकते हो और आप मेरे पीछे का बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा देख सकते हो। कितना खूबसूरत यहाँ का प्रकृति का नज़ारा है, देखिए ज़बरदस्त। तो भंडारदारा डैम के बिल्कुल सामने हम पहुंच चुके हैं, ये बैक साइड में। आगे चल के मैं आपको फ्रंट साइड का भी नज़ारा दिखाऊंगा। तो जब भंडारदारा जब ओवरफ्लो होता है तो वो जो छतरी के जैसे आपको जो दिख रहा है ना, वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक व्यू आता है। तो ये अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ये मानसून में ही आता है। और इधर का भी इतना खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा है, तो देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत सर, वहाँ ऊपर तक गाड़ी जा रही है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ दोनों गेट के सामने। ये भंडारदारा का गेट है, एक पहला गेट ये है ये साइड में। तो जब भी पानी जब ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो नदी में छोड़ने के लिए ये गेटों को मोटर से उठाया जाता है और यहाँ से ये पानी को ऐसे छोड़ा जाता है। तो चलिए ये साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही इस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा एक गेट है। तो ऐसे यहाँ पर ये दो गेट हैं और ये दोनों गेटों का पानी यहाँ से ये नदी में छोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए ये पीछे जो नदी आपको दिख रही है, ये नदी में ये पानी यहाँ से इस प्रकार से छोड़ दिया जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं भंडारदारा के मेन पॉइंट की तरफ, जिधर से बोटिंग होती है, उधर का भी आपको मैं वहाँ से ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पर ये झरना है। ये देखिए ऐसा यहाँ का व्यू देखिए, और इधर आप देखिए कितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। आज संडे है इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। तो चलिए चलते हैं और इस प्रकार से भंडारदारा के डैम के ऊपर से जो हमने ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा दिख रहा है। देखिए आशा पहुँच चुके हैं भंडारदारा डैम पर, जहाँ जो बोटिंग पॉइंट है वो बोटिंग पॉइंट के ऊपर। तो आप देखिए कि यहाँ कुछ लोग नहा रहे भी हैं और इधर ये यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है। और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है बोटिंग पॉइंट, और यहाँ से पर हेड 100 रुपीज़ के हिसाब से बोटिंग कराते हैं। तो जैसे देखिए अभी अंदर कुछ लोग वहाँ पर गए हुए हैं, देखिए दिखाता हूँ आपको। वो बोटिंग जारी, देखिए अंदर यहाँ से ऐसा ये बोटिंग है और ऐसा यहाँ का ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। अभी थोड़ा धूप ज़्यादा है और यहाँ भैया कुछ नहा भी रहे हैं, तो मैं भी अभी देखता हूँ कि नहा लेता हूँ। चलिए ये देखिए अभी ये बोटिंग चल रही है भाई साहब, और सेंटर भाग में वहाँ ले जाके फिर एक चक्कर दिलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ बहुत सारी बोटिंग है, ये देखिए यहाँ पर, और अभी वो बोट चल रही है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम जूम करके, देखिए ये देखिए ये बोटिंग है, अभी ये चल रही है। इस प्रकार से कुछ यहाँ का व्यू है। अभी चलेंगे रंदा वाटरफॉल, और यहाँ पर आपको चाय नाश्ता की व्यवस्था है। ये देखिए जैसे बोटिंग के जस्ट बाजू में ही, और सामने से आप यहाँ के व्यू देख सकते हो और बैठे बैठे मस्त बाकी चाय भी पी सकते हो। तो ये चाय की राजू ईदे इनकी दुकान है, आइए विजिट करिए और चाय कॉफ़ी नाश्ता यहाँ आप आकर कर सकते हो। और सामने ही होटल के सामने जब आप बैठोगे तो इतना बढ़िया यहाँ का व्यू है, और उधर भी एक बोटिंग अभी वो भी चल रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम दोपहर के टाइम में आए तो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, और कभी भी हम मानसून टाइम में जब आओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम रंदा फॉल पर, ये देख लीजिए यहाँ का इस प्रकार से कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। और ये दुकान है, और यहाँ पर हमने
गाड़ी हमारी ये साइड में पार्क कर दी है रंदा फॉल पर। तो अभी चलते हैं यहाँ से, सामने से आपको व्यू दिख रहा होगा मेरे पीछे थोड़ा सा, तो वहाँ पर चलते हैं। पहले हम यहाँ से थोड़ा एक गिलास रस पी लेते, बहुत थक गए हैं, तो चलिए पहले रस पी लेते। तो यहाँ से हमने ले लिया है भैया गन्ने का जूस। राम मेरे बाजू में बैठा है, ये देख सकते हो आप। छोटू राम लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। देखिए गाइस, अभी हम वाटरफॉल रंदा वाटरफॉल के नज़दीक में पहुँच चुके हैं और इधर से बहुत सारी पब्लिक भी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए, और मेरे साथ में है अरमान, और आज आए रंदा वाटरफॉल के ऊपर। तो चलिए यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं कैसा है। तो चलिए कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। यहाँ पर एक ये व्यू पॉइंट एक बनाया हुआ है, तो इस पर चलते हैं हम। ये देखिए, और यहाँ पर कितनी सारी पब्लिक नहा रही है। तो चलिए एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर, ये बहुत ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर हम चलते हैं इधर की तरफ। ये देखिए ऐसा यहाँ का ये ज़बरदस्त सा एक खूबसूरत सा नज़ारा है। तो ये व्यू पॉइंट पर हम चलते हैं और यहाँ का व्यू आपको दिखाते। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का व्यू है। देखिए जो डैम है भंडारधारा, उधर से ही ये पानी आता है। ये देखिए, और ये यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा बना है। और उसके बाद में वो साइड में भी एक है, ये देखिए वो साइड में भी एक है और इधर भी एक है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पॉइंट बनाया हुआ है। चलिए तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ का ये ऐसा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू है रंदा वाटरफॉल का। और फिर आगे अपन नीचे जाएंगे, उधर जहाँ वाटरफॉल है वहाँ पर। यह ऊपर फ्रंट का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। और उधर से हम आए थे वहाँ से, तो यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग नहा भी रहे। तो चलिए, यहाँ पर एक ये देवी का मंदिर है, गोरपड़ा देवी का मंदिर है। ये देखिए रंदा वाटरफॉल के बिल्कुल सामने ही, और इधर दोनों साइड में यहाँ पर ऐसी दुकान भी है। ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आई गोरपड़ा देवी बोटिंग चालू आहे, बोटिंग पर्यटन करून मिलते। ये यहाँ पर मराठी में उन्होंने लिखा हुआ है, बोटिंग चालू है ऐसा यहाँ पर लिखा है। और अभी अपन चलते हैं ये साइड में, इधर यहाँ से भी रंदा फॉल वाटरफॉल का पूरा आपको नज़ारा दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये देखिए यहाँ से ऐसा प्रकार से कुछ यहाँ का व्यू है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और ये साइड में आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। चलिए ये देखिए, ये यहाँ का ऐसा व्यू है। ऐसा यहाँ का व्यू है। तो चलिए अभी देखते हैं कितना खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा है। ये देखिए वहाँ हम गए थे, पहला सेल्फी पॉइंट वो था रंदा फॉल वाटर का, और यहाँ से फिर इस प्रकार से ऐसे इधर ये साइड में जब आते हैं तो ये यहाँ पर एक झरना है, बहुत ही बढ़िया। अभी बरसात के मौसम में जब आओगे तो ये फुल बहता पानी रहता है, पर अभी फिलहाल पानी भी है यहाँ, सिर्फ इतना ही एक वाटरफॉल है जिसमें पानी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ का इस प्रकार से ऐसा चारों तरफ का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू पॉइंट है ये। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें आप। देखिए चलिए, इधर से ये वाटरफॉल का पानी आप देख सकते हो कितना खूबसूरती से बह रहा है, और ये यहाँ पर ये पानी ऐसे भरा हुआ है, इधर ये डैम है। तो चलिए अभी आपको मैं यहाँ से पूरा व्यू आपको कवर करवाता हूँ जितना हो सके उतना, और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का दृश्य है। देखिए आप और मज़े लीजिए, आनंद लीजिए, इकड़म तिकड़म कर हम आज यहाँ रंदा वाटरफॉल। इतना प्यारा व्यू है, बहुत ही तगड़ा व्यू है। देखिए व्यू देखिए आप पहले कितना तगड़ा व्यू है। ये देखिए उधर वो झरना है, तो दो तीन झरने हमें यहाँ पर दिखे, बहुत ही सुंदर सा झरना है। चलिए तो यहाँ से हम आपको एक बार और यहाँ से दिखा देते हैं, नीचे बोटिंग भी है,
बोटिंग चालू है। ये देखिए वो नीचे जो दिख रहे हैं वो बोटिंग है, और यहाँ से ऐसे यहाँ का एक व्यू पॉइंट है बहुत ही ज़बरदस्त। तो इधर से ये देख लीजिए एक बार। तो भाई साहब ये यहाँ का लास्ट का व्यू पॉइंट है, तो एक बार ये देख लीजिए आप कितना ज़बरदस्त यहाँ का व्यू पॉइंट है, ये देखिए। उसके बाद में इधर से ऐसा यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा एक नज़ारा है, और ये एक छोटा सा गार्डन के जैसे बनाया है। तो देखिए एक बार पूरा ये देख लीजिए एक बार गार्डन का पूरा नज़ारा कैसा है। ये देखिए यहाँ से रंधा वाटरफॉल का दूसरी साइड का नज़ारा इतना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए और ऐसा यहाँ का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू।